नमस्कार दोस्तों, सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? एग्जाम सिर पर आ चुके हैं, सभी को टेंशन हो रही होगी। टेंशन मत लीजिए, केवल टॉपिक कंप्लीट करते चलिए, अच्छे से पढ़िए। सिलेक्शन जरूर होगा यदि आप पूरी मेहनत, जो आपका 100% है, यदि वो आप दे रहे हैं, जितनी आप में काबिलियत है उतना यदि आप कर रहे हैं तो 100% सिलेक्शन होगा। यदि आपने सोचा है कि आज मुझे ये चीज़ ख़त्म करनी है, यदि आप वो चीज़ डेली अपना जो टारगेट बनाया है उसको कंप्लीट करते चलेंगे तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो अपने आप से बस ईमानदारी रखिए, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्र सरकार की योजनाएँ, ये पार्ट वन है। इसका मैं पार्ट टू भी लाऊंगा, आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। एक एक करके हम पूरी योजनाएँ पढ़ेंगे। मैंने MCQ बना दिए हैं कि जिसने पढ़ भी लिया हो तो उसको भी टेस्ट देने के लिए मजा आएगा, और जिसने नहीं पढ़ा हो उसको याद हो जाएगा। चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए पहला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर जो है लाइव क्लासेस रेगुलरली लगाई जाती है। सुबह 6 बजे से जनरल अवेयरनेस की होती है, दोपहर 1 बजे से लाइव क्लास करंट अफेयर्स, शाम के 7 बजे साइंस की, और रात के 10 बजे वन लाइनर की लाइव क्लास होती है। ये लीजिए पहला क्वेश्चन, ये रहा जनधन योजना किससे संबंधित है तथा यह कब शुरू हुई, ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले आप बता दीजिए कब शुरू हुई, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा यह किससे संबंधित है। तो आपको बता दूं कि जो जनधन योजना है वह शुरू हुई है 28 अगस्त 2014। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना शुरू हुई, और यह योजना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक से जोड़ने के लिए चालू हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक से, कि सबके खाते खुले, सबके अकाउंट खुले, इससे संबंधित है ये योजना। ठीक है, पहली योजना याद हो गई होगी, 28 अगस्त 2014। ठीक है, जब 14 में सरकार बनी थी ना पिछली बार, तब हुई थी। चलिए अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्वच्छ भारत अभियान किससे संबंधित है तथा कब शुरू हुआ। तो सबसे पहले आप बताइए कि कब शुरू हुआ, फिर मैं आपको बताता हूँ किससे संबंधित है ये। तो शुरू कब हुआ स्वच्छ भारत अभियान? 100% सिंपल सी बात है कि 2 अक्टूबर को ही शुरू हुआ होगा। तो 2 अक्टूबर का केवल एक ऑप्शन है, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ। ये क्यों शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 2019 तक देश को एक स्वच्छ भारत बनाने का इसका मिशन था। उद्देश्य ये था कि 2 अक्टूबर 2019 का टारगेट दिया गया था कि देश को हम स्वच्छ बनाएंगे, और गांधी जी ने जो स्वच्छता की शुरुआत की थी उसके कारण इसको स्टार्ट किया, और देश को, पूरे देश में स्वच्छता के लिए यह अभियान चलाया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है तथा यह कब शुरू हुई। उज्ज्वल योजना याद रखिएगा, उज्ज्वल योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो आपकी है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का सही आंसर है 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का स्टार्ट किया, शुभारंभ किया। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को रियायती मूल्य पर LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना था इस योजना का मकसद या उद्देश्य। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आया हुआ है, उज्ज्वला, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आया हुआ। LPG कनेक्शन से संबंधित था, LPG सस्ते दामों पर LPG गैस गरीबी रेखा से नीचे वालों को, याद हो गया। आंसर क्या है? 1 मई 2016। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ये रहा, देखिए ये भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा है, मेक इन इंडिया किससे संबंधित है, मेक इन इंडिया, और कब शुरू हुई। तो योजनाएं पूरी याद करनी है, कब कब शुरू हुई, डेट बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा रही हैं। तो मेक इन इंडिया जो है आपकी, वह शुरू हुई थी 25 सितंबर 2014 को, 25 सितंबर मोस्टली 2014 और 2016 में स्टार्ट हुई हैं। इसमें क्या था, इसमें ये था कि देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, अपने देश में जो दूसरे कई जैसे उत्पाद हैं जो बाहर, जो विदेशी कंपनियाँ हैं, उनको ये बोलना कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ निवेश कीजिए, हमारे यहाँ अपने कारखाने लगाइए, हम आपको अच्छा माहौल देंगे। इसके लिए मेक इन इंडिया स्टार्ट की गई थी, और ये है 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद आदर्श ग्राम योजना किससे संबंधित है, ये भी सभी को पता होगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर है आपका, यह जो संबंधित है, यह प्रत्येक सांसद द्वारा एक एक गांव को गोद लेकर उसका विकास करना, मतलब टारगेट था कि आप एक एक गांव चूज कीजिए और उसका विकास कीजिए, उसमें जो भी कार्य कर सकते हैं आप अपनी निधि से उसका विकास कीजिए, इसका आंसर। और ये कब स्टार्ट हुई है, ये हुई है 11 अक्टूबर 2014 को ये योजना स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा
दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना किससे संबंधित है? तो दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते यह श्रमिक विकास को समर्पित है, जो हमारे लेबर हैं, मजदूर वर्ग हैं, उनके विकास के लिए समर्पित है। और यह स्टार्ट हुई थी 16 अक्टूबर 2014 को यह स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है हर एग्जाम में, तो प्लीज़ ये फ्री के नंबर होते हैं आपके, ऐसे क्वेश्चन आपको रटे होना चाहिए, गलत नहीं करना है। लड़कियों को शिक्षित करना ताकि वह सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बन सकें, खुद कमाएं, खुद पर निर्भर हो सकें, किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े, इसके लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी। इसकी डेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, 22 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, हृदय योजना किससे संबंधित है और यह कब शुरू की गई? तो हृदय योजना संबंधित है आपकी विश्व विरासत स्थल जो है हमारे यूनेस्को वाले, उनकी देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना, टूरिज्म को बढ़ावा देना, इसके लिए हृदय योजना शुरुआत हुई थी। और हृदय योजना कब शुरुआत हुई थी? 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना स्टार्ट हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है, कब शुरुआत हुई थी? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है आपकी वह शुरू हुई थी 8 अप्रैल 2015 को, और छोटे कारोबारियों को 50,000 से 10,00,000 तक की वित्तीय सहायता देने के लिए। यदि आप अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस योजना के तहत आपको 50,000 से 10,000 तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है, इसके लिए ये स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अटल पेंशन योजना किससे संबंधित है, तब कब शुरू हुई? तो अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 9 मई 2015 को। इसमें ये था कि 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन योजना थी, 18 से 40 वर्ष तक के लोगों के लिए, जो असंगठित क्षेत्र हैं उनके लोगों के लिए मासिक पेंशन योजना, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें एज भी पूछी जा चुकी है कई बार कि 18 से मतलब कितने एज तक के लिए है ये, तो 18 से 40 वर्ष ही बोला था शायद मैंने पहले भी, तो 18 से 40 वर्ष याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उजला योजना ये किससे संबंधित है? तो उजाला योजना ये बिजली से संबंधित है। बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्ब का मूल्य कम करके बांटा गया था ना बीच में, आपको याद होगा, पोस्ट ऑफिस से एलईडी बल्ब मिल रहे थे सस्ते दामों में, वो उजला योजना के तहत मिल रहे थे, इसी योजना के तहत। इसका सी ऑप्शन सही है, 1 मई 2015 को स्टार्ट हो गई थी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो आपकी संबंधित है, वह संबंधित है आपकी, ये है 18 से 50 वर्ष तक के लोगों के लिए 2,00,000 का जीवन बीमा, कितने लाख का, 2,00,000 का जीवन बीमा, और ₹330 सालाना प्रीमियम पर आपके साल के लगेंगे 18 से 50 वर्ष की आयु, और 2,00,000 का जीवन बीमा हो जाएगा आपका, इससे संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 मई 2015 को शुरुआत हुई थी इसकी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किससे संबंधित है तथा कब शुरू हुई? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है आपकी, वह संबंधित है 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा दुर्घटना 2,00,000 तक का बीमा दुर्घटना, और ₹12 सिर्फ प्रीमियम था इसका साल का, साल में ₹12 जमा करिए और दुर्घटना यदि होती है तो आपको 2,00,000 तक का बीमा मिल जाएगा, और 18 से 70 वर्ष की आयु तक के लिए था ये, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा, स्मार्ट सिटी योजना कब किससे संबंधित है और कब शुरू हुई? तो स्मार्ट सिटी योजना जो है आपकी, वह स्टार्ट हुई थी 25 जून 2015 को स्टार्ट हुई थी। 2015 से 2020 तक देश के कुल 100 चुने हुए शहरों के लिए स्मार्ट शहर बनाने के लिए लक्ष्य रखा गया है, 2020 तक 100 स्मार्ट शहर बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, 16 क्वेश्चन है, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना किससे संबंधित है तथा कब शुरू हुई? तो स्वर्ण मौद्रीकरण योजना जो आपकी है, वह संबंधित है कैसे, घरों में अन्य संसाधनों निष्क्रिय पड़े स्वर्ण को उत्पादन के कार्य पर लगाना। उसमें यह था कि आपको स्वर्ण आप जमा करो बैंक में और उसको आप कार्य पर लगाओ, उससे आपको लोन मिलेगा या और चीज़ मिल सकती हैं। तो ये स्कीम स्टार्ट की गई थी, ये उतनी सफल नहीं रही, लेकिन ये स्कीम भी अच्छी थी, गवर्नमेंट द्वारा अच्छा प्रयास था। यह हुई है 5 नवंबर 2015 को, सी ऑप्शन का सही है, 5 नवंबर 2015। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डिजिटल इंडिया मिशन किससे संबंधित है तथा कब शुरू हुआ है? तो डिजिटल इंडिया मिशन, सबसे पहले ये देख लेते हैं किससे संबंधित है, सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना,
जैसे आपका ई पैन कार्ड, ई जो आपके डॉक्यूमेंट्स है ना, ई डॉक्यूमेंट्स के लिए लॉकर और भी अदर चीज़ें थी। इसका ए ऑप्शन सही है, 2 जुलाई 2015 को यह स्कीम स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टार्टअप इंडिया किससे संबंधित है? तो स्टार्टअप इंडिया आपकी जो है यह नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए संबंधित है, स्टार्टअप नए स्टार्टअपों को आपको आगे बढ़ाने के लिए संबंधित है। और 16 जनवरी 2016 को ए ऑप्शन का सही है, स्टार्ट हुई थी स्टार्टअप इंडिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा स्क्रीन पर, उदय योजना किससे संबंधित है तथा कब शुरू हुई? तो उदय योजना आपकी जो है संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली वितरण कंपनी को घाटे से उबारने के लिए। बहुत सारी बिजली कंपनियां जो कि घाटे में चल रही हैं उनको घाटे से उबारने के लिए, प्लस इसका जो स्टार्टिंग का समय है वह है डी ऑप्शन सही है, 5 नवंबर 2015 को स्टार्ट हुआ था उदय योजना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा स्टैंड अप इंडिया किससे संबंधित है? तो स्टैंड अप इंडिया जो संबंधित है ये देख लेते हैं, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति तथा महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण, किस किस को? एसटीएससी तथा महिला उद्यमियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन के लिए यह चालू हुई थी। और इसका बी ऑप्शन सही है, 10 अप्रैल 2015 को ये स्कीम चालू हुई थी। अगला क्वेश्चन ये रहा, सेतु भारतम योजना किससे संबंधित है, कब शुरू हुई? तो सेतु भारतम योजना जो है आपकी वह राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज निर्माण करना, ठीक है, जो रेलवे क्रॉसिंग पे इतनी भीड़ होती है ना, तो इसके लिए ओवर और अंडर ब्रिज के लिए बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय राजमार्गों में रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए किया गया था। सेतु भारतम, सेतु मतलब होता ही है पुल, ठीक है, तो इससे याद रखिएगा। और ए ऑप्शन का सही है, 4 मार्च 2016 को ये चीज़ ये योजना लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन ये रहा, ग्राम उदय से भारत उदय, सभी को याद होगा ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश में पूर्ण विकास के लिए गांवों के विकास करने पर बल दिया गया, मतलब देश का यदि आप पूर्ण विकास चाहते हो तो सबसे पहले गांवों का विकास जरूरी है, नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा, अंत्योदय जो बिल्कुल नीचे के लोग हैं उनके उनका उदय होना चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन का सही है, 14 से 24 अप्रैल 2016 को स्टार्ट की गई थी ये क्वेश्चन। अगला, सुकन्या समृद्धि योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता है सुकन्या समृद्धि योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी आपकी, इसका ए ऑप्शन सही है, इस ये योजना आपकी स्टार्ट हुई थी कब, 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्ट हुई थी। बच्चों आपको बता दूं, इसका पार्ट टू भी लाएंगे यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, यदि आप शेयर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं, अच्छा लगा तो प्लीज़ पहुँचाइए अपने व्हाट्सअप ग्रुप, इतने सारे स्टडी ग्रुप हैं, अभी लिंक कॉपी करके अभी शेयर कर दीजिए, बाद में भूल जाएंगे, तो शेयर जरूर कीजिएगा यदि पार्ट टू आपको चाहिए हो। और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।